हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रगति क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 7 के नोट्स। अगर हम बात करें क्लास 9 की, तो क्लास 9 में ऑलरेडी 6 चैप्टर तक नोट्स अपलोड हो चुके हैं। तो अगर उन वीडियो को आपने नहीं देखा तो ज़रूर से ज़रूर देखिए, क्योंकि क्लास 9 में उससे अलग कुछ भी नहीं आने वाला। और यह सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि हमारे नोट्स में कि आपको वही सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। और मैं 100% श्योर हूँ कि अगर आपने इन सारे नोट्स को कर लिया ना, आपके पास होने को तो छोड़िए 60-70 प्लस ही आपके मार्क्स आने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं, क्योंकि क्लास 9 में पास होना बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो इसलिए नोट्स को ज़रूर देखिए, इसको नोट डाउन करके रखिए, फिर स्क्रीनशॉट करके याद कर लीजिए। बाकी पीडीएफ अगर मुझसे हो पाएगा तो मैं प्रोवाइड करवाऊंगी, उसके लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन चल रही है। तो हो सकेगा तो जब पीडीएफ बनेगा तो ऑफकोर्स हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो बात करते हैं हमारे चैप्टर 7 की, जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमें पता है कि हमारे जो अर्थ पे इतने सारे तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, हम उसे किसी भी तरीके से काउंट नहीं कर सकते। मतलब आप ये सोचो, इतनी सारी स्पीसीज़ है, यहाँ तक कि कुछ तो एक्सटिंक्ट हो गई, कुछ और भी नई नई स्पीसीज़ आती रहती हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा डिफरेंट, मतलब अलग करने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, सबको क्लासिफिकेशन किया, सो दैट कि अब जो इनकी स्टडी है वो हम अच्छी तरीके से कर सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। द मेथड ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स और सेट्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। एक ऐसा मेथड जिसमें ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप में बना दिया और इस तरीके के अरेंजमेंट कर दी कि जिस, मतलब मान लो आपके बहुत सारे स्पीसीज है जिनके अंदर सेम टू सेम सिमिलैरिटीज हैं, उनको एक अलग ग्रुप में रखा, जबकि अगर उनमें डिफरेंसेज है तो उनको अलग अलग ग्रुप में रखे गए। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया। बट आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन को लेकर, कि क्लासिफिकेशन करना इतना इंपॉर्टेंस क्यों था, क्यों किया गया, तो फर्स्टली आपके 3 से 4 नंबर का ही आता है, इसलिए आप पॉइंट्स में लिखोगे ना तो आपके मार्क्स बिल्कुल भी डिडक्ट नहीं होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट मेक्स द स्टडी ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इजी एंड इन अ सिस्टमेटिक मैनर। क्योंकि हमारे यहाँ पर ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा वैरायटी में है, तो लेकिन क्लासिफिकेशन की वजह से हम उनको बहुत ही इजीली स्टडी कर सकते हैं और एक सिस्टमेटिक मैनर में उसको स्टडी कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड हाउ द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव इवॉल्व विद टाइम। और इससे हमें यह भी पता चलता है कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है वो किस तरीके से इवॉल्व होकर आए हैं। जैसा कि आपने भी सुना होगा कि जो हमारे पूर्वज थे वो बंदर थे, तो उन्होंने भी इवोल्यूशन करके ही इस तरीके से किया। तो ये सारी चीज़ें इसमें हमें पता चल पाती है। थर्ड पॉइंट, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द इंटर रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। और इसमें हम ये भी सही से समझ पाते हैं कि जो दो ऑर्गेनिज्म के ग्रुप्स हैं उसमें क्या रिलेशनशिप है, क्योंकि आगे अभी आप सारे ग्रुप्स पढ़ोगे तो उसमें पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा एक दूसरे में इंटर कनेक्शन होता है। उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट है, इट फॉर्म्स अ बेस फॉर द स्टडी ऑफ अदर बायोलॉजिकल साइंसेस लाइक बायोग्राफी। और इसी से हमें एक बेस पता चल जाता है, जिससे कि हम अलग अलग डिफरेंट टाइप के ब्रांचेस की स्टडी कर सकते हैं। जैसे आप बायोजियोग्राफी पढ़ोगे तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन तो किया, उसका बेनिफिट भी पता है, लेकिन उसको क्लासिफिकेशन करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है। तो हमें पता है देयर आर सर्टेन फीचर्स और प्रॉपर्टीज यूज फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बहुत सारे फीचर्स होते हैं। जैसे कुछ जब क्लासिफिकेशन की बात चली थी ना, तो साइंटिस्ट सब लोगों के अलग अलग सोच थी। कुछ लोगों ने ये कहा कि भैया इस तरीके से क्लासिफिकेशन करो कि जितने एनिमल प्लांट मतलब ज़मीन पे रहते हैं उनको अलग रखो, जितने वाटर में रहते हैं उनको अलग रखो। जबकि कुछ लोगों ने कहा नहीं भैया ये सही नहीं है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के अकॉर्डिंग रखो। जबकि दूसरे लोगों ने कहा कि नहीं, सेल के हिसाब से रखते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मार्केट निकल कर आए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं, जब ये आपका क्वेश्चन ज़रूर आता है कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन का बेस है दैट इज़ टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें देखा ना होता है कि वो जो पर्टिकुलर हम जिस ग्रुप को जिस क्लासिफिकेशन को कर रहे हैं, तो वो प्रोकैरियोटिक सेल है या फिर यूकैरियोटिक सेल है। इस दोनों के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी जब हमारा सेल चैप्टर चला था। उसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग भी क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर। क्या वो जो ऑर्गेनिज्म है पर्टिकुलर वो सिंगल सेल का है या फिर बहुत सारे सेल का है, और जो उनके फंक्शंस होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सेल परफॉर्म करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें अगर आप 5th चैप्टर नहीं पढ़ाना तो आप उसको देख लो, वहाँ से आपको ये सारी चीज़ ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर होंगी। अब क्योंकि बार बार इसे रिपीट करना सही नहीं होगा। अब क्लासिफिकेशन में तीसरा पॉइंट देखते हैं कि मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, कि उनका जो फूड का तरीका है वो किस तरीके से खाते हैं, तो क्या वो ऑटोट्रॉफ है, क्या वो हेटरोट्रॉफ है। तो इस तरीके से ही सबको डिस्कस किया जाता है। अब बात करते हैं नोमेनक्लेचर, जो कि आपके इस चैप्टर में से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार इससे क्वेश्चन बनता है कि नोमेनक्लेचर क्या होता है। एक ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे नेम्स होते हैं, सब अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग कंट्रीज है, तो हर ऑर्गेनिज्म के अलग अलग नाम भी है। इससे क्या हो रही थी, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही थी ऑर्गेनिज्म को नेमिंग देने में।
इसलिए एक साइंटिफिक नेम की ज़रूरत थी जो कि सारे लैंग्वेज में सेम हो। इस वजह से बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम जो कि कार्लस लीनियस ने दिया इज़ यूज नेमिंग, और जिसकी वजह से जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म है सबका एक साइंटिफिक नेम दिया गया, सो दैट कि अगर एक कंट्री दूसरे कंट्री से कुछ इंटरेक्ट करना चाहे या फिर अपनी जो भी डिस्कवरी है उसको शेयर करना चाहे तो एक मीडियम तो होना चाहिए। तो पर्टिकुलर जैसे हम बात करते हैं ह्यूमन की, तो ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या होता है? होमोसेपियंस। तो ऑफकोर्स होमोसेपियंस यहाँ पर इंडिया में भी कहेंगे और कुवैत एंड ऑल जो भी रोमानिया एंड ऑल, तो कहीं भी किसी भी कंट्री में चले जाएंगे तो वहाँ पर भी पर्टिकुलर जो साइंटिफिक नेम होगा वो सेम होगा, सो दैट कि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इस वजह से नोमेनक्लेचर की लाया गया था। क्वेश्चन ये भी आता है कि नोमेनक्लेचर को किसने दिया था, तो नाम याद रखना है आपको कार्लस लीनियस, उन्होंने ही इस सिस्टम को बनाया था, जिसमें उन लोगों उन्होंने जीनस और स्पीसीज मतलब कि थोड़ा सा डबलिंग, जिसका भी नाम आप देखोगे ना साइंटिफिक वो हमेशा दो जगह मिलेगा। जैसे लाइक अगर हम बात करते हैं ह्यूमन का होमो सेपियंस हो गया, टाइगर का पैंथरा टिग्रिस हो गया, और उसी तरीके से फ्रॉग का राना टिग्रीना करके हो गया। तो इस तरीके से ये आप करने वाले हो, बट एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली जो वैसे तो 4 मार्क्स का आता है, मैं आपको बताऊंगी इसको किस तरीके से अटैम्प्ट करना है कि जब भी हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो कुछ कन्वेंशन है जो कि हमें फॉलो करना होता है। तो पहला कन्वेंशन ये होता है कि जीनस शुड बी रिटन फॉलोड बाय द स्पीसीज, कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, जीनस का नाम लिखा जाना चाहिए, उसके बाद स्पीसीज का नाम लिखा जाना चाहिए। जैसे ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस, तो ये आपका हो गया जीनस और ये हो गया क्या स्पीसीज। फर्स्ट लेटर जो जीनस का होगा वो हमेशा क्या होगा कैपिटल, जबकि स्पीसीज हमेशा किस में होगा स्मॉल लेटर में। यहाँ पर आप देख सकते हो होमो में एच आपका कैपिटल है जबकि सेपियंस में एस आपका स्मॉल है। तो इस चीज़ को ध्यान से रखना है। व्हेन प्रिंटेड द नेम शुड बी रिटन इन इट, जब भी इनको प्रिंट किया जाता है तो इसको क्या इटैलिक में लिखा जाता है एंड रिटन विद हैंड जीनस एंड, और जब इसके हाथ से लिखा जाता है तो पर्टिकुलर दोनों को लिख के हम क्या करते हैं यहाँ भी यहाँ पर अंडरलाइन दोनों को अलग अलग अंडरलाइन किया जाता है। लाइक अगर हमें पैंथरा टिग्रिस को हमने अपने हाथों से लिखा है तो पैंथरा को अलग अंडरलाइन करेंगे, टिग्रिस को अलग अंडरलाइन करेंगे। तो ये रूल्स हैं। तो अगर 4 मार्क्स का आता है तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट और उसके बाद 3rd पॉइंट और उसके बाद जो ये पर्टिकुलर चीज़ है ना कि जब हम इसे हाथ से तो इसको आप अलग पॉइंट्स बना दोगे, 4 पॉइंट्स लगाएंगे, 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे क्योंकि पॉइंट्स बेसिकली यही है। अब उसके बाद जब क्लासिफिकेशन हुआ तो सबसे पहले इसको किया गया 5 किंगडम में क्लासिफाइड, जिसमें एच वेटकर ने 1959 में ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया, दैट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। तो इन 5 किंगडम में इसको डिवाइड कर दिया गया पर्टिकुलर, और तीनों को आप एक बार अपने बुक में जरूर देख लेना कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। मोनेरा लाइक ऑटोट्रॉफ है, हेटरोट्रॉफ है, या फिर क्या कहते हैं प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है। तो इसको सिर्फ एक बार अपने बुक में देख लो, बाकी इसमें से क्वेश्चन आता नहीं, इसलिए मैंने इसमें कवर नहीं किया है क्योंकि मुझे आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करना है, ज़्यादा बर्डन नहीं देना है, तो इसलिए इससे क्वेश्चन बनता नहीं, तो इसलिए मैंने आपको इसे रहने दिया। सिर्फ इसका नाम पूछते हैं तो नाम जरूर याद रख लेना, आपकी जो 5 किंगडम के क्लासिफिकेशन किया था वो किसने किया था, एच विटेकर ने 1959 में किया था, नाम था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। उसके बाद कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके जो प्लांटी का पर्टिकुलर ग्रुप है ना, प्लांटी के पर्टिकुलर ग्रुप में फेनरोग्राम, क्रिप्टोग्राम से क्वेश्चन पूछते रहते हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म से पूछते हैं, तो इसलिए फेनरोग्राम को डिस्कस करते हैं। प्लांट विद सीड आर कॉल्ड फेनरोग्राम, एक ऐसा प्लांट जिसमें मतलब कि बीज होते हैं उसको हम क्या कहते हैं फेनरोग्राम कहते हैं। इसके अंदर एम्ब्रियोज भी होते हैं जिसके अंदर फूड स्टोर होता है, और ये क्या होते हैं मल्टी सेलर होते हैं। जबकि क्रिप्टोग्राम कैसे होते हैं, प्लांट्स विद स्पोर्स आर कॉल्ड क्रिप्टोग्राम, और ऐसे प्लांट जिसमें स्पोर होते हैं उसको क्रिप्टोग्राम कहते हैं। उनमें मोस्टली क्या होता है नेक्ड एम्ब्रियो, मतलब उसका आपको बीज देखने को नहीं मिलेगा बट स्टिल उसके प्लांट तो लगते ही है ना। और उसके बाद नेक्स्ट आपका जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर साल रिपीट क्वेश्चन आपका प्री बोर्ड में भी आता है, बोर्ड मतलब आपका जो फाइनल पेपर होता है उसमें भी आते हैं, मॉक टेस्ट में आते हैं, कंपार्टमेंट बच्चों के उनमें भी आते हैं, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिम्नोस्पर्म आपके वो प्लांट्स है जिसमें नेक्ड सीड होता है एंड डू नॉट बियर फ्लावर्स, एक ऐसा प्लांट जो क्या जिसमें बीज तो नहीं दिखते और ना ही उसमें फ्लावर होते हैं। और इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं ना वो हमेशा कैसे होते हैं पेरिनियल, मतलब हमेशा हरे भरे रहते हैं और पूरे साल रहते हैं, उनका पतझड़ नहीं होता, और इसमें लकड़ी बहुत ज़्यादा होता है, वुडी होता है। एग्जाम्पल हो गया पाइनस, देवदार, साइकस, ये सारे के सारे, क्योंकि जब इन सब के पेड़ देखोगे ना, ना तो इसमें कभी फ्रूट निकलते हैं और ना ही इसमें कभी कोई सीड निकलता है। तो ये सारे जो जिम्नोस्पर्म है आपको क्या बताया नेक्ड सीड नहीं होता, मतलब सीड हमें दिखता नहीं बट स्टिल वो जो पेड़ है वो लगता है, और वहीं आसपास आप देखोगे कि और भी पेड़ वहीं पर अपने आप ही निकल आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म की, दीज आर द प्लांट विथ सीड, और जो ये वो प्लांट होते हैं जिनके पास बीज होता है किसमें फ्रूट में, और इनके पास फ्लावर भी होते हैं। एम्ब्रियोज इन सीड हैव स्ट्रक्चर, और एम्ब्रियो जो सीड में एम्ब्रियोज होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है उसको कोटाइलोडन कहते हैं, और इसी को लेकर एंजियोस्पर्म को डिवाइड भी किया गया है
एज ए मोनोकॉट कोट एंड डाइकोट। मोनोकॉट और डाइकोट आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने यहाँ पे कवर किया है। एग्जाम्पल में कई बार तो मोनोकॉट और डाइकोट का एक सिंपल एग्जाम्पल पूछ लेते हैं, बता दो कि भाई दो चार एग्जाम्पल। और वैसे आपका क्वेश्चन मोस्टली ये आता है ना कि आपको एक फीचर देंगे कि आप किस तरीके से पता करोगे कि कोई पर्टिकुलर जो आपका प्लांट है वो मोनोकॉट है या डाइकोट है। बट हम आपको सीड नहीं देंगे, हो सकता है हम आपको रूट दें, हो सकता है हम आपको लीफ दें। तो इस चीज़ को लेकर भी हमें करना होता है कि अगर उन्होंने हमें सीड दिया तो वन कोटाइलोडोन है मतलब वो मोनोकॉट है, अगर टू कोटाइलोडोन है तो डाइकोट है। अब यहाँ पे कोटाइलोडोन मतलब सिंपल ही है ना, जैसे आपके पास बीज मिला तो उसको क्या बीज को आप दो टुकड़ों में आसानी से बांट पा रहे हो इक्वली या नहीं। अगर वो बट रहा है तो टू कोटाइलोडोन है मतलब डाइकोट है, अगर नहीं बट पा रहा तो मोनोकॉट है। तो इस तरीके से ही आपको याद रखना है। उसके बाद आगे चलते हैं हम, तो यहाँ पर रूट को लेकर है। तो रूट जो होते हैं मोनोकॉट में फाइब्रस रूट होते हैं, जबकि डाइकोट में क्या होते हैं प्रोमिनेंट प्राइमरी रूट होते हैं। लीफ के बारे में बात करें पैरेलल वेनेशन होता है, रेटिकुलेट वेनेशन होता है, लाइक आपकी जो पत्ती होंगी ना कुछ इस तरीके की उसमें डिजाइंस बने होंगे, जबकि जो आपका जो रेटिकुलेट वेनेशन होगा उसमें पत्तियों में कुछ यहाँ से इस तरीके के डिजाइंस निकल निकल के आएंगे। उसके बाद फ्लावर के बारे में बात करें तो मोनोकॉट में फाइव या फिर मल्टीपल्स होते हैं फाइव के, जबकि डाइकोट में थ्री और मल्टीपल होते हैं थ्री के। यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको मोनोकॉट देख लेना है कि मोनोकॉट बेसिकली यहाँ पर थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि चेंज हो गया है, क्योंकि आपके जो वीट है, राइस है, बनियान है, ये आपके मोनोकॉट में आएंगे, जबकि सनफ्लावर बीन्स एंड ऑल पोटैटो ये सारा आपका डाइकॉट के अंदर आएगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल चेंज हो गया है, तो इस चीज़ को आपको ज़रूर नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि अगर हम बीन्स के बारे में बात करेंगे, चना हो गया, राजमा हो गया, आपको ईजिली उसे टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, तो ये आपका इस पार्ट का है। उसके बाद चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके एनिमिलिया ग्रुप में है। एनिमिलिया ग्रुप में आपको बहुत सारे भागों में बांटा गया है, मोलस्का हो गया, ऑर्थोपोडा हो गया, एनेलिडा हो गया, बट हम उन सारी चीज़ों को करेंगे नहीं क्योंकि उनमें से क्वेश्चन आता नहीं, तो इसलिए हम फालतू चीज़ें करेंगे नहीं। बस जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको मैंने यहाँ पे कवर किया। लाइक आपका ऑर्थोपोडा जो है ना लार्जेस्ट फाइलम है, मतलब कि पूरे वर्ल्ड का, पूरे दुनिया का सबसे जो बड़ी जनजाति है फाइलम, जो फाइलम है वो ऑर्थोपोडा के ग्रुप में पाई जाती है। इट मीन्स जितनी भी स्पीसीज है ना उसका 80% तो अकेले ऑर्थोपोडा में है। इसके एग्जाम्पल देख के भी आप समझ जाओगे कि किसका ऐसा घर होता है जिसमें कॉकरोच, हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई ये सारे नहीं होते। तो ये जो स्कॉर्पियो हो गया, कॉकरोच हो गया, हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, स्पाइडर, ये सारे के सारे ऑर्थोपोडा स्पीसीज के ग्रुप में, और ये बहुत ज़्यादा नंबर्स में है। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, तो आपका एनेलिडा है, जिसके अंदर अर्थवॉर्म, लीच, नरेइस ये सारे के सारे एनेलिडा ग्रुप में आते हैं। तो इसका नाम जरूर आपको याद रखना है, एनेलिडा अर्थोपोडा को आपको अच्छी तरीके से करना है। उसके बाद हमने थोड़ा सा टैक्सोनॉमी को डिस्कस किया था कि टैक्सोनॉमी एक ब्रांच है बायोलॉजी का, जिसमें क्या हम डिस्कस करते हैं उसमें नोमेनक्लेचर को लेकर होता है, क्लासिफिकेशन को लेकर होता है, और इस चीज़ के फादर कौन कहे जाते हैं, कार्लस लीनियस, जिन्होंने नोमेनक्लेचर की खोज करी उन्हीं को हम कहते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। अब नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा आर दोज एनिमल विच हैव अ कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर। वर्टिब्रेटा एक ऐसे एनिमिलिया के ग्रुप के अंदर आते हैं ये, तो उसके अंदर ही आपका एक जब आपका कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, जिसमें मतलब कहते हैं रीढ़ की हड्डी जिस एनिमल्स में होते हैं उनको हम किसके अंदर रखते हैं, वर्टिब्रेटा के अंदर। वर्टिब्रेटा को पर्टिकुलर फिर से डिवाइड किया गया है फाइव ग्रुप्स में, दैट इज स्पीसीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मैमिलिया। इन पांचों को हम वैसे पांचों तो कभी नहीं पूछते, लेकिन किसी दो को उठा के आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाता है, एप्स और मैमिलिया में डिफरेंस बता दिए, एम्फीबिया या फिर एप्स में, रेप्टिलिया, पीसीज में, मतलब किसी भी तरीके से इसमें डिफरेंस पूछा जा सकता है, इसलिए आपको याद तो पांचों ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पीसीज की। पीसीज के ग्रुप को फिशेज के ग्रुप का भी कहा जाता है, और ये कहाँ रहते हैं, वाटर में रहते हैं। इनकी जो स्किन है वो स्केल से कवर होती है। ये रेस्पायर कैसे करते हैं, गिल से सांस लेते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। उनका हर्ट जो होता है टू चैम्बर हर्ट होता है, और ये अंडे देते हैं। और उसके बाद अगर एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो किसी भी फिश का नाम आप जिसको भी जानते हो उसको रख सकते हो। एम्फीबिया हो गया, एम्फीबिया के ग्रुप जो होते हैं वो लैंड और वाटर दोनों जगह रह सकते हैं, इसी वजह से इनको एम्फीबिया कहा जाता है। ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इनका हर्ट जो होता है थ्री चैम्बर का होता है। ये सांस जो लेते हैं गिल से ले लेते हैं और लंग से भी लेते हैं। उसके बाद दे ले एग इन वाटर, वाटर में ये एग देते हैं। एग्जाम्पल हो गया फ्रॉग हो गया, टोड्स हो गया, सेलमेंडर्स, ये सारे हो गए। उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप है रेप्टिलिया का ग्रुप। रेप्टिलिया के ग्रुप के पास उनके बॉडी पे स्केल्स बने होते हैं और वो ये सांस लेते हैं लंग से, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ज़्यादातर के पास थ्री चैम्बर हर्ट होता है, लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है क्रोकोडाइल, जो कि रेप्टिलिया के ग्रुप में होते हुए इसके पास फोर चैम्बर हर्ट होता है। दे ले एग विद हार्ड कवरिंग इन वाटर, ये वाटर में एग कैसे देते हैं, उन पर एक हार्ड कवरिंग होती है। एग्जाम्पल हो गया स्नेक्स, टर्टल्स, लिजार्ड, क्रोकोडाइल्स एट एक्स्ट्रा। उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप है आपका एप्स, जो कि बर्ड्स को
डिनोट करता है, ये वार्म ब्लडेड होते हैं और इनके पास फोर चैम्बर्ड हर्ट होता है। ये ब्रीथ कैसे करते हैं? लंग से करते हैं। और इनके पास आउटर कवरिंग होती है, एक फेदर सुपंख लगे होते हैं और टू फोर लिम्स जो मॉडिफाइड हो जाता है विंग्स में, जिसकी वजह से वो उड़ पाते हैं। ये भी अंडे देते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल जितने भी आपके पक्षी हैं उनके नाम आप इजिली यहाँ पर कवर कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं मैमिलिया ग्रुप। मैमिलिया दे आर वार्म ब्लडेड, ये भी वार्म ब्लडेड एनिमल है, फोर चैम्बर्ड हर्ट है एप्स की तरह। उसके बाद इनके पास मेमोरी ग्लैंड होता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क टू नरिश देयर यंग वंस। द स्किन हैज हेयर्स एंड स्वेट ग्लैंड, मोस्ट ऑफ देम गिव बर्थ टू देयर वंस। बट कुछ ऐसे भी मेमिलिया है जो कि एग देते हैं, लाइक प्लैटिपस और एकिडना, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों का नाम बहुत अच्छे तरीके से याद रखिए। एग्जाम्पल में कैट, रैट, डॉग वगैरह, बट स्पेशल जो है वो ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल वैसे तो आप सबको लगता होगा कि फिश है, लेकिन इसको कौन से ग्रुप में रखा गया है? मेमिलिया में। मेमिलिया में क्यों रखा गया? क्योंकि इनकी जो सारी प्रॉपर्टीज़ है वो मेमिलिया से मिलती है। इसके पास फोर चैम्बर्ड हर्ट है, वार्म ब्लडेड है, और उसके बाद सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है वो मेमिलिया की ही ग्रुप से मैच खाती है, इस वजह से इनको उसमें डाला गया। अब यहाँ पर जैसा आप देख रहे होगे वार्म ब्लडेड कोल्ड ब्लडेड को लेकर, तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। और यहाँ पर जो कोल्ड ब्लडेड है ना, कोल्ड ब्लडेड जो एनिमल्स होते हैं वो हर टेम्परेचर में अपने आप को मेंटेन करके नहीं रख सकते, उन्हें हमेशा क्या चाहिए होता है? ठंडक चाहिए होता है। जबकि जो वार्म ब्लडेड होते हैं वो हर टेम्परेचर को सहन कर लेते हैं, तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा अपने माइंड में रखना है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।